हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आप सभी को बताऊंगा 14.1 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि क्या है कि वायु में ना SO2 की सांद्रता ज्ञात करने के लिए नगर में ना 30 मोहल्लों का आंकड़ा दिया गया, 30 मोहल्लों का आंकड़ा दिया गया है और SO2 की सांद्रता ज्ञात करनी है। तो SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है, सॉरी, तो माध्य के लिए हमने पविचलन विधि का इस्तेमाल किया है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले एक्स की वैल्यू चाहिए होगी हमको, क्योंकि हमको जो U की वैल्यू हो F से ही मिलेगी। तो X की वैल्यू मैंने बताया था कि निम्न सीमा लिख सकते हैं आप, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे दो। तो पहले 0.002 0.004 डिवाइड बाय दो 0.004 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 0.02 क्या जाएगा 0.02, इस तरीके से आ जाएगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ ना। तो फिर क्या करना है, गैप देख लेना है, 0.04 का गैप है, तो यहाँ पे 0.06 0.10 0.14 0.18 0.22 करके आ जाए। अब मुझे क्या ज्ञात करना है भैया, U की वैल्यू चाहिए, आता है ना, U बराबर xi-a/h करके है, यही है ना भैया। तो ये देख लेते हैं कैसे होगा कि हम लोग क्या करते हैं ना, a की वैल्यू आप किसी को भी ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब बीच से आप कोई मान उठा नहीं सकते, इसलिए आप लोग क्या करेंगे ना, आप 10 को भी उठा सकते हैं, 14 को भी उठा सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ 14 को उठा देता हूँ, ठीक है, 14 को मैं बोल देता हूँ भैया ये a की वैल्यू है। और आपको मैं एकदम आसान तरीका बता रहा हूँ, आप जोड़ घटाना कैलकुलेशन अंदर से कर लेना, लेकिन जिसको आप ए मानते ना वहां पे जीरो रखिए, उससे माइनस में ऊपर जाइए -1 -2 -3, नीचे में प्लस में जाइए 1 2। अब इसको चेक कर लीजिएगा ना, आपको पता हो जाएगा क्या होगा ना कि 0.02 है, इसको जब 2 से क्या करेंगे, जब घटा देंगे तो कितना जाएगा 12 आएगा, -0.12 आ जाएगा। और इसके बीच में जो डिफरेंस है 0.04 है, पॉइंट से पॉइंट कट कर देगा, 4 1 4 4 3 12, -3 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 2 में से जब इसको माइनस करेंगे ये प्लस, ये बड़ी वैल्यू है, ठीक है ना। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन करके, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि पता है कि भैया क्या चाहिए, एफ आई और यू आई का मल्टीपल चाहिए हमको, तो चाहते हैं 12 9 2 18 9 1 -9 2 0 0 4 1 4 2 2 4। अब इसको जोड़ना होगा, सिग्मा मतलब ये जोड़ना है एफ आई वाई की कैलकुलेशन, मतलब मल्टीप्लाई की वैल्यू को, सिग्मा एफ आई और यू आई का जो मल्टीपल है उसकी वैल्यू को जोड़ देना है। तो इसको अगर हम ऐड करते हैं 18 2 20 10 30 39 हो जाएगा, एफ 448। तो मेरे हिसाब से कितना आ रहा है, -31 आ रहा है, -31 आ रहा है। एक मिनट, फिर इसके आगे हम लोग क्या कर लेंगे कि दी हुई चीजें लिख लेते हैं, भैया एच की वैल्यू दी है 0.04, ए की वैल्यू भी हमने निकाली है कुछ 0.14। आइए शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो सॉल्व करते समय ए की वैल्यू एक्स ऐसे लगा माध्य बराबर, ए की वैल्यू भैया 0.14 प्लस में -31/30 इंटू एच की वैल्यू 0.04। आप एक्स बार मतलब माध्य निकालना है, ठीक है। अब इसको लोग क्या करेंगे, 0.14 -31/30, ठीक है, मल्टीपल बाय 0.04, ठीक है। अब इसको आप सब क्या करिए, कैलकुलेट करिए, ठीक है। मैं कैलकुलेट करके आप अगर देखेंगे तो कैलकुलेट करने पे आपको क्या मिलेगा कि पहले हम लोग यहाँ मल्टीपल करेंगे, कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट करने के बाद तुम्हें 0.0999 यही आपको मिलेगा। आप एक बार कैलकुलेट करके चेक कर दीजिएगा, ठीक है, मैंने वैसे कैलकुलेट करके रखा हुआ है पहले से। तो इसी तरीके से क्या करना है, इस क्वेश्चन को आप बहुत ही सीरियसली सॉल्व करिएगा, क्योंकि अक्सर यही क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है।
है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा, जैसे दोस्तों का शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।